ढाई घंटे से लाइन में खड़े, बट अभी तक आधा भी हम लोग पहुँचे नहीं है। ये है कुंड यहाँ का, देख सकते हो यहाँ पे सब लोग ऐसे स्नान करते हैं। होटल से चेकआउट कर दिया, ये रहे हमारी गाड़ी। सो यहाँ से अभी बासुकीनाथ बाबा धाम से अभी हम लोग निकल चुके हैं बासुकीनाथ के लिए। सो हे गाइस, केम छो मजा मा किंग हियर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। हे गाइस, आज मैं जा रहा हूँ बाबा धाम। बाबा धाम एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे मतलब भगवान शंकर भगवान जी की बहुत सारी मूर्ति है, मंदिर वगैरह है, बहुत सारी चीजें होती है वहाँ पे। वैसे मैं कभी गया नहीं हूँ, तो मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मेरी फैमिली के साथ। तो हम लोग टोटल 9 जन जा रहे हैं, मेरी होल फैमिली नहीं जा रही है बिकॉज हमने एक ही गाड़ी बुक की है, स्कॉर्पियो। वेट, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये रहे हमारे स्कॉर्पियो, इसी में हम लोग जाने वाले हैं। एंड ये टोटल 2 दिन का ट्रिप होने वाला है हमारा। सो आज फर्स्ट डे हम लोग जाने वाले सिमरिया, जो कि 4 एंड 5 आवर्स का ट्रेवलिंग होगा। देन वहाँ से गंगा स्नान करके फिर निकलेंगे बाबा धाम के लिए। सो देखते हैं इस सफ़र में क्या सब होता है, क्या सारी चीज़ें, कैसा क्या होगा। सो मेरे साथ बने रहो। सो चलते आगे। सो गाइस, नाउ हम लोग बैठ के निकल चुके हैं बाबा धाम के लिए। टकली देखो, इसका मुंडन हो गया है। ये आते वक्त ट्रेन में बाल थे इसके, अभी टकली हो गई है। हाय बोल, हाय, जोर से बोलना। हाय, हम सबके दिखाई नहीं दे कुत्ता। हाय, ये पीछे 2 बंदर भी जा रहे हैं। इधर इधर, बड़ा बंदर छोटा बंदर कहां पीछे बैठा ना डिक्की में। अभी सबका नाश्ता पानी चालू है। ए क्या ली तूने? ए देख, इसने थम्सअप लिया, थम्सअप लिया, थम्सअप का थम्सअप उतार दिया। पी, ये नाश्ता पानी का शॉप, और यहाँ पे सब कुरकुरे वगैरह खा रहे। सो अभी थोड़ी देर में जाने वाले, सो जस्ट वेट एंड वॉच। सो अभी हम लोग दरभंगा से निकल चुके हैं। बोल थम्सअप, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मोदी नहीं आ सकता। सिमरिया का आधा ही रास्ता हम पहुंचे, आधा रास्ता बाकी है। और ये भाई साहब को बहुत ज्यादा उल्टी हुआ है। टकली, ए टकली, देखी इसको ही उल्टी हुआ बहुत। कितना बार उल्टी की तूने? 3 बार उल्टी किया है, और 1 बार वो उधर वो सोया पड़ा है, उसने भी उल्टी किया। और सीट बेल्ट की वजह से 1 बार फाइन मारा है। सो जब भी ट्रैवलिंग करो तो गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना। शी इज माई मॉम एंड वो मेरी चाची है, एंड वो मेरे दादाजी। तम्बाकू लगाए ये मेरा भाई, मेरे चाचा, डैडी। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिमरिया। छोटा सा गंगा जल भरने के लिए यहाँ पे वो डब्बे वगैरह मिल रहे हैं, तो देख सकते हैं आउटसाइड, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सस्ते में मिलता है। आगे यही छोटा डब्बा लेके तो और ज्यादा महंगा मिलेगा। गाइस, ये है सिमरिया घाट यहाँ का, ये देख सकते हो। हमें उधर जाना है, वहाँ पे स्नान करने के लिए, नहाने के लिए। फाइनली हमारी गाड़ी आ गई यहाँ तक। चप्पल सब चप्पल निकाल दो, चप्पल निकाल रहे, निकाल रहे। घाट पे चप्पल लेके जाना नहीं रहता है इसके लिए। ये रहा मेरी चप्पल। सिस्टर कुछ ना कुछ ले ले रही है। 100 रुपया बोल रहे हैं। चीज अच्छा है भैया, ओरिजिनल। अरे चीज भैया, चीज का क्वालिटी है वहाँ, स्टिकर वाला थोड़ी है। स्टिकर अच्छा वाला की बात नहीं भैया, लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा दाम बोल रहे हैं भैया। एंड मैंने ये कड़ा बाई किया मेरे लिए, एंड ऐसे और भी बहुत सारी चीजें मिलती है यहाँ पे। ये है यहाँ का पूरा घाट, और वो साइड लोग नहा रहे, तो हम भी वहाँ पे जाने वाले थोड़ी देर में कपड़ा वगैरह लेके। सो चलते। सो गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ नहाने के लिए, देख सकते हो टॉवल में जा रहा हूँ। सो गाइस, वो मेरे डैडी और
भाई चाचा वगैरह सब नहा रहे, दादाजी नहा के आ गए। अभी थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगा, तो मैं मेरा वीडियो शायद नहीं निकाल पाऊंगा बिकॉज फ़ोन की बैटरी बहुत कम है। सो गाइस फाइनली मेरा गंगा स्नान करके हो गया। आप लोग मेरे बाल से समझ सकते हो, बॉडी से तो नहीं समझ में आएगा। सो अभी जा रहा हूँ मैं मेरे गाड़ी के पास। सो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ वापस से, नहा धो के फ्रेश होके कपड़ा वपड़ा पहन के, एंड ये वाला कड़ा लिया मैंने। हाउ इज़ दिस, आप लोग कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो लंबा हुआ तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, सो दोनों पार्ट देखना। सामने जो ब्रिज है ये टूइंग वन है, ये नीचे अंदर से ट्रेन जाती है, ठीक इसके ऊपर से व्हीकल गाड़ी वगैरह जाने का रास्ता बनाया हुआ है। सो गाइस नाउ अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ टर्न हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट बाबा धाम। 3 to 4 hours का ट्रैवलिंग है, वैसे नाइट का कुछ मैं दिखा नहीं पाऊँगा व्यू वगैरह, तो अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो दिखाऊँगा, नहीं तो सीधा जहाँ पे खाने के लिए रुकेंगे वहाँ का और होटल का। तो चलते आगे, बाय बाय सिमरिया। सो गाइस यहाँ पे अच्छा सा होटल मिला नहीं, सो बूढ़ा ढाबा उधर पे जाके हम लोग खाने वाले हैं। प्लेट लगा हुआ, ये हमारा खाना, सब लोग बैठे हुए खाने के लिए। सब पनीर का ही सब्जी मंगाया, 3-4 टाइप का आइटम है, तो फटाफट मैं खाता हूँ एंड खाते वक्त वीडियो चालू नहीं करूँगा वरना डैडी चिल्लाएंगे। तो फ़ोन की बैटरी भी लो है, सो फ़ोन में चार्जिंग में लगाता हूँ। गाइस हमारा टोटल बिल बना है 1940 रुपया, ये बिल बना है टोटल 1940 मारे है। अभी यहाँ से 110 किलोमीटर का रास्ता और है, 3 घंटा लगेगा ना कम से कम, 3-3.5 घंटा लगेगा, 2-2.5 घंटा, 2 से 2.5 घंटा बोल रहे अगर नॉन स्टॉप गए तो, मे बी 3 hours। तो वहाँ हम लोग सोच रहे कि बाबा धामी वहाँ पे पहुँच के स्टे करें, बिकॉज बीच रास्ता में स्टे करेंगे देन वहाँ से वापस बाबा धाम जाना काफ़ी लॉन्ग पड़ेगा। सो डायरेक्ट हम लोग बाबा धाम पहुँच के वहीं पे स्टे करेंगे, वहाँ नाइट में रहेंगे एंड देन मॉर्निंग में फिर नहा धो के फ्रेश होके जाएंगे बाबा धाम, वहाँ पे ना स्नान वगैरह करके पूजा वगैरह करने के लिए। सुबह ऐसा भी हम लोग ढाबा से निकल चुके खाकर, अभी विंडो ओपन कर दिया है, एसी का हवा अभी बंद, अभी डायरेक्ट नेचुरल हवा, एंड मैं फ़ोन रखता हूँ अंदर बिकॉज विंडो ओपन है तो गिरने का या खींचने का डर रहेगा इसके लिए। तो मिलते हैं डायरेक्ट होटल में, अगर कुछ नाइट में व्यू दिखाने का मौका मिला तो दिखाऊँगा, नहीं तो सीधा वहाँ पे। तो गाइस अभी रात के 1:15 बज रहे हैं एंड लोग ये ढाबे पे रुके हैं, वहाँ पे उनको चाय बनाने बोला है, तो देन चाय पी के फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हम मम्मी लोग सब उधर बैठे हुए हैं कॉर्नर में, वो खाट के ऊपर ऐसा वाला सेम खाट है वहाँ पे, एंड मेरा भाई वगैरह सब गाड़ी में ही है, मैं थोड़ा चेयर पर बैठा हूँ, अभी उठने का दिल नहीं कर रहा है इसके लिए, देख लो नींद भी आ रही है। एंड गाड़ी अभी झारखंड में घुस चुका है, यानी बिहार हम लोग ने क्रॉस कर दिया, अभी झारखंड में है, तो यहाँ से अभी आई थिंक 40 किलोमीटर्स और आगे जाना है। एंड रास्ता सच में काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, मतलब पहाड़ के ऊपर जो टर्निंग रहता है ना, यूं वाला सेम वैसा रास्ता है, एकदम माइंड ब्लोइंग है। सो ये अभी चाय पीते हैं, देन चाय पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। सो गाइस दिस इज़ आवर होटल, मतलब हम लोग यहाँ पे रुके होटल बाबा पैलेस में, काफ़ी ज़्यादा नाइट हो गया, सो अभी हम लोग 2-3 घंटा रेस्ट करेंगे देन फ्रेश होके जाएंगे। चलो भाई एक ये है। सो गाइस ये हमारा फर्स्ट रूम, दिस इज आवर सेकेंड रूम। सो अभी हम लोग सो रहे हैं, सो अभी रेस्ट करने के बाद मैं डायरेक्ट मिलता हूँ कल मॉर्निंग में। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, सो फाइनली मैं नहा धो के फ्रेश होकर रेडी हो चुका हूँ एंड अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं बाबा धाम मंदिर के लिए। फिलहाल मैं बैल्कनी में खड़ा हूँ एंड ये होटल का आउटसाइड का व्यू। सब लोग जा रहे हैं अभी कुंड में स्नान करने, देन वहाँ से फिर जल लेके जाएंगे बाबा
धाम उस मंदिर में, वहाँ पे जल अर्पण करने के लिए। यहाँ पे इस तरीके के ऑरेंज कलर के सारे कपड़े सब मिलते हैं। यहाँ पे जिसको भी देखोगे सारे कपड़े ऑरेंज कलर के पहन के आते हैं, तो सब ऑरेंज ऑरेंज और रेड कलर दिखने वाले आज। सो गाइस, मुझे एक ये वाला शर्ट काफ़ी पसंद आया, सो मैं भी ये शर्ट मैंने खरीद लिया ओम नमः शिवाय का, एंड चेंज करने के लिए आया हूँ। अभी वापस हम लोग जाने वाले गंगा स्नान करने के लिए। वैसे मैंने सुबह सुबह स्नान कर लिया है, तो मैं वहाँ पे जाके स्नान नहीं करूँगा, सिर्फ गंगा जल ऐसे छिड़क लूँगा मेरे ऊपर। सो जस्ट वेट एंड वॉच। ये है कुंड यहाँ का, देख सकते हो यहाँ पे सब लोग ऐसे स्नान करते हैं। तो गाइस, सब लोग अभी ऑरेंज ऑरेंज कपड़ा पहन के रेडी हो चुके हैं, सिर्फ मैंने ही वाइट कलर का डाला है, बाकी सब ने ऑरेंज कलर का डाला है। तकली नहीं हुई, मम्मी और डैडी वगैरह आ रहे हैं, देन उसके बाद हम लोग जाने वाले यहाँ से। सो गाइस, ये हार लिया है यहाँ पे चढ़ाने के लिए, एंड अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं इस ब्रिज से होते हुए उस तरफ। इस तरीके का टीका लगाया मैंने, फर्स्ट टाइम ऐसा लगाया, मैं ऐसे कभी लगाता नहीं हूँ। तो चलते आगे एंड आगे का नज़ारा देखते हैं कैसा क्या है सारी चीज़ें। कम ऑन लेट्स गो। यहाँ से अभी भीड़ चालू हो गया है और भजन कीर्तन भी हो रहा है, तो आप आवाज़ सुन सकते हो यहाँ पे, वो मंदिर पे वो देख सकते हो, वो पंडित जी कैसे चढ़ रहे हैं वहाँ पे ऊपर। ढाई घंटा हो गया गाइस, ढाई घंटे से लाइन में खड़े, बट अभी तक आधा भी हम लोग पहुँचे नहीं है। अभी उतना पूरा कंप्लीट करके फिर आउटसाइड अलग से है, तो देखते हैं कब तक दर्शन मिलता है, लेट्स सी। आप बीच में आए हैं, आप गलत किए हैं, आपने बीच में आए हैं। मंदिर में दर्शन हो चुका है, बहुत ही ज्यादा रश है, बहुत ही ज्यादा रश है, मंदिर के बाहर आ चुके हैं। सो गाइस, इस होटल में हमने अभी खाना खाया, सबसे बेकार और थर्ड क्लास खाना था इस होटल का, तो अभी जा रहे हैं हम अपने होटल में आराम करने के लिए, तो चलते हैं। सो गाइस, नाउ अभी मैं होटल में आ चुका हूँ, मैं एक्चुअली हम सब होटल में आ चुके हैं अगेन। नाउ यहाँ से अभी हम लोग फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद रेस्ट करेंगे, दो तीन घंटा सोएंगे, एंड डैडी और चाचा वो लोग जाएंगे प्रसाद वगैरह लेने के लिए, होल फैमिली वगैरह को देने का है इसके लिए। देन उसके बाद हम लोग जाएंगे बासुकीनाथ, 60 किलोमीटर्स और है यहाँ से, सो देखते हैं आगे का सफ़र कैसा क्या होता है। सो गाइस, नाउ अभी हम लोग ने होटल से चेकआउट कर दिया, एंड ये रहे हमारी गाड़ी। सो यहाँ से अभी बासुकीनाथ, मुझे नाम अच्छे से बोलने नहीं आ रहा है, सो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर देखेंगे जल्दी अगर दर्शन हो गया तो फटाफट आज ही निकल जाएंगे घर के लिए, अगर लेट हुआ तो वन नाइट आज भी वहाँ पे स्टे करेंगे, देन कल जाएंगे हम लोग घर पे। सो देखते हैं आगे का सफ़र कैसा क्या होता है, सो कम ऑन लेट्स गो। बाबा धाम से अभी हम लोग निकल चुके हैं बासुकीनाथ के लिए।